आपने अधिवक्ताओं से मुलाकात की है, किस मुद्दों पर मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? शिष्टाचार हमारी हुई है, लाइब्रेरी है, खासतौर से पठन पाठन के लिए अधिवक्ताओं से लाइब्रेरी देने के लिए 70,000 और बाकी जो है 5 लाख रुपये सरकार से दिया है ताकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी के दाने का संघर्ष रखा और सर सुविधाएं और किस तरह से लैस करेंगे और नए युवाओं के लिए बीमारी है उसके संबंध में मेडिकल एड थी, जो भी अधिवक्ता बीमार हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको मैंने फाइलें मंगा ली है, क्या राशि है उस हिसाब से। आपका जनपद भी रहा है? जनपद हमारा यही है, जौनपुर है, सागन तहसील, गाँव हमारा चकपतिपुर है सर। जो जो महिला अधिवक्ता है उनके लेकर सर, महिलाओं के लेकर अगर विशेष के लिए तो देखिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला, बीमारी संबंधित सबको बराबर का है, डेथ क्लेम जो मिलता है बराबर का मिलता है, सभी सुविधाएं वही है जितनी जो पुरुष के लिए वो महिला के लिए। अगर कहीं महिलाओं को जैसे बैठने उठने में असुविधा है तो बाहर के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जो है बाथरूम वगैरह की व्यवस्था करें ताकि असुविधा न। सर आपसे भी बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या कहा, आपको क्या दिशा निर्देश दिए? आज चेयरमैन साहब हमारे जनपद में जो है बिना निमंत्रण के स्वयं जो है पधारे हैं, उनका हम लोग पूरे कलेक्ट्रेट अधिवक्ता परिवार की तरफ से स्वागत करें और फिर आपको अवसर मिलेगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको बुला करके भव्यता से आपको स्वागत किया जाए और आपने जो है हमारी लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपये देने का वादा किया और तमाम जो भी सुविधाएँ हैं अधिवक्ताओं के हित आपने देने का वादा किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। अभी आप हमारे यहाँ के घर से कहे हैं बताया रहे